नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं निसार सोहेल टीवी एन 7 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। आज राजीव गांधी नगर चर्च अगिलापुर में यहां के डुंडियल म्यूनसिपालिटी के माइनॉरिटी चेयरमैन नईम पाशा साहब बुलाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पे राजीव गांधी नगर के मुकामी लोग सभी लोगों ने मिलकर बड़े जोश खरोश के साथ आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाया गया। मैं मेरे तमाम भाइयों से, डुंडियल म्यूनसिपालिटी के भाइयों से, मेरे जितने भी हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, मन को एक मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि आज गांधी जी का जो रास्ता था, वो रास्ते को, वो जो तहरीक चलाए हुए, वो चीज़ को वापस लाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज दो ग्रुप हो गए, दो रास्ते हो गए, एक हो गया गांधी का, एक हो गया गोडसे का। तो हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग, हमारी पार्टी एक मुहिम चला रही, जोड़ने की मुहिम, मोहब्बत फैलाने की मुहिम। वही गांधी जी जो रास्ता बताए, उसी पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आज के माहौल में आप लोग सब लोग मिलके रहिए, गांधी जी की जो है वही खराज अकीदत बहुत पेश करे जैसा रहता। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बकरे हिंदुस्तान। आज नईम भाई म्यूनसिपल चेयरमैन चर्च गागिलापुर और बाप भाई वाइस प्रेसिडेंट चर्च गागिलापुर और हमारे मेहमान खुसूसी की हैसियत से आने वाली शख्सियत समीर खान साहब, जो माइनॉरिटी के आला अहदे पर फायज हैं, वो भी तशरीफ़ फरमाएँ, और हमारे चर्च गागिलापुर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई जो तशरीफ़ फरमाएँ, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज गांधी जयंती के मौके और शेखर रेड्डी साहब और विजय रेड्डी साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ हैं। आज महात्मा गांधी, स्वर्गीय महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर आज हम सब चर्च गागिलापुर में जमा हुए हैं नईम भाई की सदारत में। हम आज जो जन्मदिन है उसको खुशी के साथ मना रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों ने। आज गुजरात के एक गांव में महात्मा गांधी का जन्म होता है, उन माँ बाप को स्वर्गीय और क्या पेशली पेश करते हैं। आज महात्मा गांधी ना होते तो हम अंग्रेज़ों की गुलामी में रहते। आज महात्मा गांधी दुनिया में जन्म लिए 2 अक्टूबर के दिन, तो आज महात्मा गांधी जब बड़े हुए तो एक हिंदुस्तान के एक डायनामिक लीडर बनकर एक अपनी लकड़ी से पूरे अंग्रेज़ों को भगाने में कामयाब हुए। मेरे भाई, आज हम हिंदुस्तान में बड़े फख्र से रहते हैं। ये बाबा कौम हिंदुस्तान का देश है, आपने आज़ादी दिलाकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को रहने की सलाह दी। उसके बाद कुछ फिरका परस्त ताकतों और फिरका परस्त हुकूमतों ने नाथुराम गोडसे की याद मनाकर महात्मा गांधी को नाम को ये करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, हिंदुस्तान के अंदर जब तक 4 भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहेंगे, ये ख्वाब को पूरा होने नहीं देंगे। आने वाली आज गागिलापुर राजीव गांधी नगर में गांधी जयंती के मौके पे आज गांधी जयंती मनाया गया है यहाँ पर। और हमारे राहुल गांधी साहब गांधी जी के जो नक्शे कदम पे चल के जो गांधी जी का राज लाना चाह रहे, उसको हम मुकम्मल तौर पे कामयाब करेंगे। और गांधी जी का जो राज था वही रहेगा ना भाई, और हमेशा वही जो गांधी मार्ग है उस पर ही चलेंगे हम लोग सब जने। हमारे साहब है जो बताए वो उस नक्शे कदम पे, और वो रेवंत रेड्डी साहब और हमारे कोलन हनुमंत रेड्डी साहब सब जो वो राहुल गांधी के जो नक्शे कदम पे चल रहे हैं, वो इस काम हम करते रहेंगे हमेशा। और एक खाएगा।